दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ। आपने जंग का ऐलान कर दिया है, हम उखाड़ेंगे, बंगाल में उखाड़ेंगे, केरला में उखाड़ेंगे, और इतना उखाड़ेंगे कि दोबारा घूम नहीं सकेगा। उखाड़ेंगे, बंगाल में उखाड़ेंगे, केरला में उखाड़ेंगे, झारखंड में उखाड़ेंगे। अरे तुम देखो कैसे उखाड़ो, इतना उखाड़ेंगे और उखाड़ देंगे, मत कर उखाड़ देंगे। इन्होंने चढ़ाने की, जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई हैं। तो हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन का हाल है। जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने और वो है जिहाद। मोदी जी, अब हम उठ गए हैं, अब इस युद्ध में या तो पूरी तरीके से हम जीतेंगे या पूरी तरीके से हम हारेंगे। कदम उस पूरा जमीन की, हमारे हाथ में भी हथियार आ सकता है, हम चाहे तो हथियार आ सकता है। पंद्रह करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। अरे विश्व हिंदू परिषद वालों, अरे बजरंग दल वालों, अरे नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन की एक नई तहरीक को चलाया जाए, हिंदुस्तान की धरती से एक नया मुस्लिम वतन निकले। उस जगह में, उस थाने का जाकर के हम घेराव करेंगे और वहाँ पर भी हम फिर हो सकता है फिर हमको मजबूरन कानून को भी हाथ में लेना। बाप की जागीर नहीं है, भाई उनका 90 साल का मेहनत है, वो पीछे नहीं हटेंगे। हमें टकना है और ऐसा टकना है कि वो पीछे नहीं, वो चले ही जाए। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गए हो तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी हिकमत से। तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे, बोलो। 25 करोड़, 55, 25। अरे 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? अरे तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी।